बिहार का चाबी मुकेश सहनी है, जिसको दुकान खोलेगा खुलेगा, जिसको बंद करेगा बंद होगा। हम लोग नाव पर पार कराए हैं, अगर साथ में रहेंगे तो पार करा देंगे, नहीं तो फिर डुबा देंगे। जो हमारे नाव पे बैठेगा वही पार होगा, नहीं तो हम जहाँ हैं स्थिर हैं। जब हम लोग श्री भगवान का पार लगाए हैं राम को, तो हमको कौन पार लगाएगा जी? के लगाई पर हमनी के, हमनी के हमनी को या हमनी के नाम है जे बैठेगा वे पार लगी। नमस्कार, देख रहे बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये वीआईपी पार्टी के यानी विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें कि आज फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, वहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं। कहाँ से आए पहले ये बताइए? मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं, मीनापुर विधानसभा से। मुजफ्फरपुर से आए? अच्छा, मुकेश सहनी को किधर जाना चाहिए, एनडीए में या फिर इंडिया में? वो तो अभी हम लोग के जहाँ आरक्षण मिलेगा, जो हमारे नेता है मुकेश सहनी, मुझे आरक्षण जो कोई सरकार देगी हम उसके साथ रहेंगे। कुछ सोचे होंगे ना, चुनाव भी अब नजदीक है। अब तो चुनाव है नजदीक, लेकिन चुनाव आएगा उसके बाद में बतलाएंगे। हमारा जो मांग है वो पूरा होगा, हम उनके साथ हैं। अभी तक तो आपके नेताजी को कोई पूछा नहीं है? पूछेगा लोग, वो अपने पूछेगा, नेताजी के बिना जान लीजिए। बिहार का चाबी मुकेश सहनी है। बिहार का चाबी मुकेश सहनी है। जिसको दुकान खोलेगा खुलेगा, जिसको बंद करेगा बंद होगा। एक पहली बात। दूसरी बात है कि मुकेश सहनी आज पूरे 70 साल के इतिहास में, हम बताते हैं, 70 साल के इतिहास में कौन ऐसा राजनीति करने वाला कोई ऐसा जातीय नहीं है जो अपने जात के राजनीति लाभ कमा के जात के प्रति जितना पैसा खर्चा किया है उतना अपने खून पसीना का पैसा कमा के मुकेश सहनी जात के पीछे आगे उठाने के लिए काम किया है। इसलिए किया है इसके लिए कि उनको गरीबों का, हमारा जो इनके जातीय है जो उनको दिल में दर्द दे रहा है कि हमारा गरीबी बिखर रहा है, इसलिए उनको दिमाग में दर्द दिया है, इसलिए अपना खून पसीना का जात के प्रति। एक मिनट, तो खून पसीना का पैसा उठाने के लिए काम किया है मुकेश सहनी, और इसीलिए जितना उनको सराहना करेगा कम पड़ेगा, और हमारा जातियों को उतना सम्मान करेंगे कि जहाँ जिस मोड़ पर मुकेश सहनी का सहयोग का जरूरी पड़ता है उससे ज्यादा हमारा सहनी समाज वहाँ जाता है, उनको इतना सहनी समाज का जितना सम्मान करेंगे वो भी कम पड़ेगा। आपने बोला बिहार के सत्ता के लिए चाबी है मुकेश सहनी। हाँ जी, लेकिन कोई उनको पूछ नहीं रहा। सब कोई पूछ रहा है, मुकेश सहनी किसी से बात करना नहीं चाहते। मुकेश सहनी कहता कि मैं बहुत गरीब हूँ, गरीबी से तरसता हूँ, आप लोगों का दया का आशीर्वाद है, जब तक हमारा गरीबी पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक आप पर हम नहीं ध्यान देंगे। इधर जाएंगे मोदी जी के साथ या लालू नीतीश के साथ? ये जो हमारे दर्द को समझेगा, हमारे मुकेश बाबू का दर्द को समझेगा, उनके लिए पूरे ताकत से हमारा पूरा सहनी समाज ताकत से मदद करने के तैयार है। आपके दर्द को कौन समझ रहा था? अभी तक नहीं समझा है, इसलिए हम लोग सबसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे सहनी समाज को दर्द को नहीं समझिएगा तब तक आपको हम नहीं समझ। और भी कुछ लगा, आप लोग बताइए कहाँ से है यूथ? इधर आइए, कहाँ से है? हम छपरा से हैं। छपरा से आए, क्या करने यहाँ पर आए पहले बताइए? आए हैं ये मुकेश सहनी। अच्छा, मुकेश सहनी जी को किधर जाना चाहिए, एनडीए में या फिर इंडिया में बताइए? इंडिया में जाना चाहिए। हम क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछिए, हमसे पूछिए, जो आरक्षण देगा मुकेश सहनी उसके साथ जाएंगे। मुकेश सहनी जाएंगे उधर सरकार बनेगा। कौन? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी जी, बिल्कुल। मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। हम लोग जहाँ मुकेश सहनी रहेंगे वहाँ हम सभी आदमी रहेंगे बाहुबल के साथ। मतलब बिहार का सुनिए, जैसे हम लोग नाव पर पार कराए हैं, अगर साथ में रहेंगे तो पार करा देंगे, नहीं तो फिर डुबा देंगे। हम लोग किसी को इधर जाइएगा ये बताइए, मुकेश सहनी जहाँ चाहेंगे वही हम लोग जाएंगे, उधर ही जाएंगे, और हमारे हक अधिकार का जो रक्षक करेगा और हमारे आरक्षण को जो देगा उसी के साथ हम लोग जाएंगे। अच्छा, इससे पहले आप लोग क्या लगा, मतलब कोई आप लोग का मतलब आरक्षण की? कोई नहीं, कोई नहीं। एक बात सुनिए, एक सेकंड, आजादी के सुनिए, अरे सुनिए ना, आजादी के 75 वर्ष बीत गए जी। इस समाज में अनेक लोग सांसद, मंत्री, विधायक बने जी, लेकिन किसी ने इस निषाद अति पिछड़ा समाज के तरफ झांकने का प्रयास नहीं किया जी। वो लोग सिर्फ अपने कुर्सी के लिए राजनीति किए, अपने परिवार को, अपने बेटा को, अपने पतोह को एमएलए एमपी बनाने के लिए राजनीति किए, लेकिन एक दरभंगा में जन्मा गरीब अति पिछड़ा मछुआरा का बेटा जब जन्मा और अपने 8 वर्षों के जीवन में मुंबई में जाकर अपने मेहनत से
अपने कर्मों से इतना बड़ा तूफान आज जब पैदा किए हैं तो मुकेश सहनी रहे एक सिंगल जो निषाद समाज के तरफ झांकने का प्रयास किया और हम लोग के सुनिए ना और हम लोग के दुख दर्द बांटने का प्रयास किया है। अभी तक मुकेश सहनी जो निर्णय लेंगे जाने का आरक्षण जो देगा उसके साथ हम लोग जाएंगे जी। अभी तक लेकिन कोई बुलाया नहीं है उनको। ना 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 हम लोग जिसको चाहेंगे वही बिहार में राज करेगा या केंद्र में राज करेगा वही। और जो बिहार की सरकार है ये बहुत निकम्मी सरकार है। कान खोल के नीतीश तेजस्वी की सरकार। हाँ नीतीश तेजस्वी की सरकार कान खोल के सुन ले। ये अति पिछड़ा विरोधी सरकार है। अति पिछड़ा का एक बेटा है मदन सहनी बिहार में मंत्री। वो कहते हैं कि हमारा बात तो चपरासी नहीं सुनता है तो इससे आपको नहीं समझ में आता है। कुमार तो कहते हैं कि हम अति पिछड़े का कोई नहीं। मदन सहनी नहीं बोले आपको मालूम होना चाहिए कि खुद बोले थे कि हमारा बात तो चपरासी नहीं सुनता। बिहार सरकार अति पिछड़ा विरोधी सरकार है। आप बताइए क्या बोल रहे हैं। जी भैया ये बोल रहे हैं कि देखिए हम सबको पर्चा दे रहे हैं गंगा जल दे रहे हैं। गंगा जल के साथ में लोग कसम खा रहे हैं कि हम वीआईपी के साथ हैं हमेशा। मतलब यहाँ पे कसम भी खिला रहे हैं। जी जी कसम नहीं खा रहे हम लोग कसम नहीं खा रहे संकल्पित हो रहा है। संकल्पित मैं अपने मन से कहा जी। हाँ मतलब किधर आप लोग जाइएगा एनडीए या फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। जो हमारे नाव पे बैठेगा वही पार होगा नहीं तो हम जा है स्थिर है। मतलब जो नाव पे बैठेगा वही पार होगा उसी का सरकार बनेगा। नहीं बैठेगा तो हम अपने दम पे बनाएंगे बिहार में सरकार। सुनो मलाम मुकेश सहनी जिंदाबाद। आज तक कोई अकेला सरकार नहीं बनाया है लेकिन हम कहते हैं कि हम अकेले सरकार बना के दिखाएंगे। मतलब आपके नाव पे बैठना होगा। बैठना पड़ेगा तब बैठेंगे। जी बोलिए। जब हम लोग श्री भगवान का पारा लगाए हैं राम को तो हमको कौन पारा लगाएगा जी। के लगाई पर हमने के नाम है जे बैठे का वे पार लगी गाने तार नेता जी नहीं बताओ केना जने के लर यार अकेला पार होई अकेले। हां 14% मानी सहिला एकदम से बिहार में नहीं कुछ नहीं चलेगा इस बार मुकेश सहनी चलेगा। सर मुकेश सहनी नाव छाप नाव कोई नहीं नहीं कोई पता देख सकते हैं मेरे साथ विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता थे। इन लोग का साफ साफ कहना है कि इस बार कुछ नहीं चलेगा। इस बार सिर्फ और सिर्फ मुकेश सहनी चलेगा और मुकेश सहनी के जो नाव पर सवार होगा वही बिहार के गद्दी पर बैठेगा। और इन लोगों का साफ साफ कहना है कि जो हम लोग की हक की बात करेगा जो हम लोग आरक्षण की बात करेगा हम लोग उसी के साथ रहेंगे। और भी इन लोगों के क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह के तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।